अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ कोमल फ्रॉम रियल फूड ट्रेल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही आसान और मज़ेदार मटन कढ़ाई की रेसिपी। ये मेरी अम्मी की वन ऑफ़ द टॉप रेसिपीज़ में से एक है, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा और ट्राई करके बताइएगा कैसी बनी। तो सबसे पहले मटन को बॉयल करने के लिए एक पैन में ऐड करेंगे 1 kg मटन, और साथ ही उसमें ऐड कर देंगे 2 गिलास पानी और 1 टेबल स्पून नमक। इसको कवर करके बॉयल होने के लिए रख देंगे। फिर एक पैन में ऐड करेंगे 3/4 कप ऑयल, और इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसको फ्राई कर लेंगे। जब लहसुन और अदरक का पेस्ट अच्छी तरह फ्राई हो जाए तो फिर इसमें ऐड कर देंगे 4 से 5 मीडियम साइज़ के कटे हुए टमाटर। इसको थोड़ा सा पहले मिक्स कर लेंगे और 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक होने के लिए रख देंगे। टमाटर जब सॉफ्ट हो जाएं तो फिर उसमें ऐड कर देंगे बॉइल्ड मटन और इसको मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून कुटा धनिया, 1 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्चें, 1 टेबलस्पून कुटा ज़ीरा, 1 टेबलस्पून कुटी हुई सौंफ और 1 टीस्पून हल्दी डाल के इन सब मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब सारे मसाले अच्छी तरह से भुन जाएं और ऑयल सेपरेट हो जाए तो इसमें ऐड कर देंगे 1/2 कप दही। और अच्छी तरह से फिर मिक्स कर लेंगे। बॉईल करते हुए जो यखनी बच गई थी वो अब हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे, और फिर मीडियम फ्लेम पे इसको 5 to 10 मिनट्स के लिए कवर करके रख देंगे। जी, तो 10 मिनट्स हो चुके हैं और कढ़ाई ऑलमोस्ट रेडी है। इसको मिक्स कर लेंगे पहले, और फिर इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्चें, जूलियन कट अदरक हसबे जायका, और साथ ही इसमें ऐड कर दें हरी मिर्चें, और फिर इसको थोड़ा सा मिक्स कर लें। जी, तो चटपटी और मज़ेदार सी मटन कढ़ाई जो है वो तैयार है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा कि कैसी बनी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।